हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे इज माय फर्स्ट ब्लॉग। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू टेक केयर ऑफ डेंड्रोबियम ऑर्किड। आई हैव गॉट वन प्लांट फ्रॉम ऑफ माय फ्रेंड, बट ये ऑर्किड थोड़ा अनहेल्दी है। तो फिर आज मैं आपको बताते हैं कि ये कैसे, इसको कैसे हम अच्छे से ग्रो करेंगे, कैसे क्या करते हैं बताते हैं। इसको देखिए फ्रेंड, इसके पत्ते कितने अनहेल्दी हैं, इसकी ग्रो भी कितनी तो कितनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कैसे इसको हम फिर से रिकवर करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है गाइस कि पहले इसको हम लोग निकालेंगे। तो पहले हमें अंदर में निकालते हैं। ये देखिए इसके रूट कितने अनहेल्दी हो गए हैं, क्योंकि नॉर्मली ऑर्किड्स के जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही ग्रीन होते हैं, ये पूरे ड्राई हो चुके हैं क्योंकि इसको मॉइस्चर लगता है एंड इसमें एयर भी लगता है। आई थिंक इसके पॉट हम लोग देखते हैं फिर इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, पूरे अनहेल्दी हो चुके हैं। सेकेंड स्टेप ये है कि हम लोग इस पॉट में अब होल करेंगे, बिकॉज इसमें ग्रोथ, ये रूट अच्छा नहीं है तो ग्रोथ अच्छा हो नहीं रहा है। तो होल करने से इसमें एयर जाएगा और मॉइस्चर भी होगा, तो हम लोग इसी पॉट को हम होल कर सकते हैं। गाइस ये देखिए हम लोग इसमें ऐसे होल कर सकते हैं। अगर आपके पास होल वाला पॉट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ये हम मेरे पास है एक पॉट, तो आप ऐसा भी पॉट ले सकते हैं, बट अभी मेरे पास दूसरा अवेलेबल नहीं है तो हम इसी पॉट को होल करते हैं। इसको आप केयरफुली कीजिएगा, बिकॉज मतलब हाथ ना जले, क्योंकि इसको जलने का भी डर है ना, लग जाएगा। देखिए गाइस ये पॉट में मैं होल कर दी हूँ, देखने में उतना अच्छा तो नहीं है बट स्टिल, बिकॉज हम लोग को इसी पॉट को फिर से इसको यूज़ करना है। तो अब हम लोग फिर से रिपोर्ट करेंगे। इसके लिए ये जो कोको पीट है ये लगता है ऑर्किड के लिए, एंड इसमें मट्टी नहीं लगती है। इसमें पहले हम लोग ये कोको पीट डालेंगे। इसको लगाना बहुत इजी है, इसको इजीली हम ऐसे डालते हैं, इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है। इसको हम ऐसे ही रखेंगे कि इसमें मॉइस्चर बना रहे। देखिए गाइस इसको मैंने सेट कर दिया है। इसको सेट करना बहुत इजी है, इसको ऐसे ही हम लोग लगाना चाहिए कि रूट को अच्छा सा हवा एयर मिलता रहे। ये नॉर्मली ये जो ऑर्किड है ये ट्री के ऊपर होता है। गाइस जैसे मैंने बताया कि ये ट्री के ऊपर होता है, तो इसलिए इसको हमें ऐसे ही रखना चाहिए कि इसकी जो रूट है ना, इसको हम लोग को हवा मिलना चाहिए। इसलिए जहाँ तक हम हो सके इसको कोशिश करते हैं कि इस अच्छे से अच्छा इसका रूट को केयर करें। गाइस इसका नेक्स्ट स्टेप आता है कि इसमें अब हम पानी डालेंगे। इसको हम ज़्यादा पानी डालते हैं, इसको हम ऐसे ही जस्ट स्प्रे करते हैं। अभी इसका रूट अच्छा नहीं है तो मैं इसको थोड़ा सा वाटरिंग करके और इसको हम छांव में रख देंगे। गाइस इसको देखिए मैंने कितने अच्छे से पूरा अच्छे से इसको स्प्रे कर दिया है, क्योंकि ये बहुत डस्ट भी हो गया था इस पर, और इसको वाटर भी थोड़ा देना अच्छा था बिकॉज इसका रूट बहुत बहुत ड्राई हो गया था। एंड बस इसको देखते हैं इसमें कब ग्रो होता है, जब ग्रो होगा तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। थैंक यू सो मच गाइस, बस लाइक कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।